जिल्हा अमरावती अंजनगाव गणपती नगर बोराळ रोह अंजनगाव सुरजी लोकजागर संघटन वसुंधरा मियावाकी जंगल प्रकल्प व जमियत उलेमा हिंद अंजनगाव व टिपू सुलतान सेना अंजनगाव नगर परिषद व लोकजागर संघटनेच्या संयुक्त प्रकल्पनेतून व पर्यावरण प्रेमी जनतेच्या सहकार्याने उभारी घेतलेल्या वसुंधराच्या सौंदर्याने पशुपक्ष्यांच्या किलबिलाटाने निसर्ग संगीतमय करणारी वनौषधी घनदाट दुर्मिळ वृक्ष लागवड नागरिकांनीही वृक्षारोपण करून राष्ट्रहित जोपासावे त्याकरिता सुद्धा वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे. समाजकारणासह राजकारण करीत असताना राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवून आपले सामाजिक दायित्व नागरिकांनी पूर्ण करावे. सरकारने वृक्षारोपण करण्याकरिता राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले आहे. नागरिकांनीही वृक्षारोपण लावावे. यावेळी उपस्थित डॉक्टर कौस्तुभ पाटील, मुफ्ती जाकीर, मौली इकबाल, डॉक्टर राजीव गफार, सोहेल अब्दुल हक, पत्रकार फिरोज कुरेशी, सलमान बिल्डर, शदाब जामदार, अजू भाई, सामाजिक कार्यकर्ते मोईन भाई उपस्थित होते. जो पेड़ पौधे हैं ये दो साल में अपनी पूरी ताकत पे आ जाते हैं. उसके बाद में इन पेड़ पौधों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये हमारे प्रकृति को बहुत सारी ऑक्सीजन और यहाँ का जो वातावरण का तापमान है उसको नियंत्रण रखना और बाकी की ज़मीन की जो धूप है उसको रोकना, ये सब के लिए बहुत काम आती आने वाली चीज़ है. ये काम में हम लोगों को आज टीपू सुल्तान सेना ने हमको मदद करने का वादा किया है और आज हमारे साथ दिख रहे हैं सब लोग. टीपू सुल्तान सेना के जमीन सब लोग हैं. जमीतुल उलमा और टीपू सुल्तान सेना दोनों लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे आके श्रमदान दिया है और हमारा और इनका एक ही उद्देश्य है, हमको प्रकृति को सुधारना है और हम लोगों को आपस में रहने साथ में रहने के लिए पेड़ पौधों का भी साथ जरूरी है, ये संदेश दिया है. ये संदेश के साथ ही हम लोग ये काम कर रहे हैं. धन्यवाद. विचार आपके विचार से मिल गए इसलिए बहुत खुशी की बात है. हम यहाँ डॉक्टर साहब ने जो अभी बात की हम इससे मुत्तफिक है, इसलिए कि हमारे जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से शजरकारी का एक बाकायदा मिशन चल रहा है और पूरे मुल्क में चल रहा है. और जब हमने देखा कि डॉक्टर साहब के जो मिशन है और जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारा ही काम है, तो हमने हमारे हम जमीयत के तरफ से तमाम साथ इनको मिलेगा और इसी तरीके से टीपू सुल्तान सेना के अफराद जो है वो भी साथ ही इनको साथ देंगे और जो जो इनको मदद मिले चाहिएगी हम उसको देने को तैयार हैं.